नमस्कार दोस्तों, रुपेश बंसल आरबीलाई मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूँ। फाजिलका के कावड़िए अबोहर के समीप पहुंच गए हैं। आज 9 अगस्त को शाम 6 बजे कावड़ डेरा बाबा बलवंतगिरी देवी द्वारा में चढ़ाई जाएगी। कॉलेज रोड पर स्थित है यह डेरा, जहां पर यह कावड़ चढ़ानी है। हरिद्वार से पैदल यात्रा करके यह कावड़ लाई गई है। शिव कावड़ संघ के प्रधान अशोक त्रिपाठी जीडी की अगुवाई में यह कावड़ यात्रा शुरू की गई थी, जो कि आज फाजिलका के निकट पहुंच गई है। आज शाम को इस कावड़ में लाए गए गंगा जल से डेरा बाबा बलवंतगिरी में स्थापित प्राचीन शिवलिंग पर इसका अभिषेक किया जाएगा। देखिए किस प्रकार से यहां पर कावड़िए कावड़ ला रहे हैं, श्रद्धालुओं में जोश बना हुआ है। आरबीआई मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। महाशिवरात्रि पर्व फाजिलका में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके तहत शिव कावड़ संघ द्वारा यह कावड़ फाजिलका लाई जा रही है। पिछले 12 वर्षों से इनके द्वारा कावड़ यात्रा की जाती है। इस बार 12वीं पैदल कावड़ यात्रा फाजिलका पहुंच रही है। हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं, शिवरात्रि से संबंधित, कावड़ यात्रा से संबंधित आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आरबीआई मीडिया आपका अपना चैनल। फाजिलका में पिछले 12 साल से यह कावड़ यात्रा पहुंच रही है। शिव कावड़ संघ फाजिलका द्वारा यह पिछले 12 वर्षों से युवाओं को धर्म के साथ साथ आस्था के साथ जोड़ने की यह परंपरा शुरू की गई है। इस बार देशभक्ति का अनूठा रंग भी कावड़ यात्रा के साथ देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय ध्वज लगाकर कावड़िए फाजिलका लौट रहे हैं। अशोक त्रिपाठी जीडी की अगुवाई में यह कावड़ यात्रा हरिद्वार से लाई जा रही है। फाजिलका में यह कावड़ यात्रा आज शाम को पहुंचेगी। इसमें लाए गए जल का अभिषेक, डेरा बाबा बलवंतगिरी पर स्थापित प्राचीन शिवलिंग पर किया जाएगा। आरबीआई मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।